लेकिन पूर्वी अफ्रीका के इस घास के मैदानों में एक जीव है जिसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये है सेंगी, दुनिया का सबसे तेज छोटा मैमल, और ये सबको पछाड़ सकता है। अपनी तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बदौलत सेंगी की रफ्तार उसे अपने बच्चों को बड़ा करने में भी मदद करती है। इस मादा के दो बच्चे हैं। ज्यादातर छोटे मैमल्स के विपरीत इसके पास बच्चों को छुपाने के लिए कोई बिल नहीं है। सेंगी के बच्चे पैदा होने के वक्त ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इनकी माँ को इन्हें जल्दी से जल्दी बड़ा करना होता है। ज्यादा से ज्यादा खाना ढूंढने के लिए ये दिन रात मेहनत करती है। सेंगी कीट विशेषज्ञ होते हैं। प्रोटीन से भरे इस आहार की वजह से खूब दूध बनता है जो ऊर्जा से भरपूर होता है। दूध पीने वाले बच्चे सिर्फ दो हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। पैदा होने के सिर्फ 24 घंटे में सेंगी चलने लगते हैं। पांचवें दिन तक वो खुद अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं और सिर्फ 6 हफ्तों में ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं और अपना परिवार शुरू करने के लिए तैयार। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इनके लिए वो वक्त कम हो जाता है जब उन्हें शिकारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है, और ये सब मुमकिन होता है तेजी से काम करने वाली माँ की बदौलत।